एसआईपी स्टॉक का। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ रहे हर रोज की तरह एक बेहतरीन रिसर्च वाले स्टॉक के साथ। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए कौन सा स्टॉक है आज आपकी लिस्ट में? अनिल जी, स्टॉक का नाम है मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, ज्वारी ग्रुप की कंपनी है और देश की दिग्गज केमिकल और फर्टिलाइजर कंपनियों में से एक है। अब सीधा इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक में आपको क्यों खरीदारी करनी चाहिए। दरअसल अगर आप देखें तो पिछले एक साल में कंपनी के जो रिसीवेबल्स हैं इसमें करीब 65% की गिरावट आई है। 1446 करोड़ से घटकर अब रिसीवेबल्स महज 509 करोड़ रह गए हैं और ये जो पैसे कंपनी के पास आए थे इसका इस्तेमाल इन्होंने कर्ज घटाने में किया। और FY21 में अगर आप देखें तो कंपनी ने जो कर्ज है वो 1506 करोड़ से घटाकर 807 करोड़ कर दिया, यानी लगभग 46% की कटौती कर्ज में देखने को मिली, जिसका असर आपको आगे जाकर बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट जो है फंडामेंटल्स है कंपनी के वो और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। और देखिए केयर ने भी जो है इनकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया, BBB+ की रेटिंग दी। लेकिन देखिए ऑपरेशनली एक कंपनी ने बड़ा डिसीजन लिया, बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला जब कंपनी ने फैसला लिया दिसंबर 2020 के बाद कि अब वो नाफ्ता की जगह नेचुरल गैस का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है प्लांट्स का उसमें एक रिडक्शन आता है, साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है कंपनी की वो भी बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन इसका फायदा सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, सरकार अब इन्हें करीब 7% ज्यादा सब्सिडी देगी नेचुरल गैस का इस्तेमाल करने पे, बतौर इंसेंटिव के बतौर ये 7% अधिक सब्सिडी दी जाती है, तो इसका फायदा कंपनी को देखने को मिलेगा। और देखिए इस कंपनी पर जो है विदेशी निवेशकों का भरोसा है, करीब 1% के आसपास हिस्सेदारी वो होल्ड करते हैं। DIS की भी होल्डिंग्स है इस कंपनी के अंदर, लेकिन दिग्गज निवेशक डॉली खन्ना इन्होंने भी चौथी तिमाही में अगर आप देखें तो करीब 1.71% हिस्सेदारी खरीदी थी। देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है और पूरा केमिकल्स फर्टिलाइजर स्पेस बहुत ज्यादा बजेंगे है, लेकिन अच्छी बात यह कि मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक के वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं, केवल 1050 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। कैश रिच कंपनी है, 400 करोड़ तो कंपनी के पास कैश है और केवल इतने मजबूत फंडामेंटल्स, हाई ग्रोथ कारोबार आपको मिल रहा है सिर्फ आधे टाइम मार्केट कैप टू सेल्स, ये स्टॉक आगे जाकर बढ़िया रिटर्न्स देगा। ये जाकर बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है मैंगलोर केमिकल्स। और अनिल जी, ये स्टॉक का आपकी फोकस लिस्ट में भी कई बार आ चुका है, इसी साल आपने 3 बार स्टॉक को रिकमेंड भी किया और मोस्ट रिसेंटली 6 तारीख के बाद भी करी थी और वहां से भी टारगेट्स आ गए थे, पर बताएं सर फंडामेंटली क्या पसंद आ रहा है इस कंपनी में, आगे की चाल कैसी रह सकती है इसकी? डीप बात एकदम सही है आपकी, एकदम स्टेटिस्टिक्स एकदम परफेक्ट है, लगातार मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट पर इसी वजह से आया कि ये वन ऑफ द चीपेस्ट फर्टिलाइजर स्टॉक है। और इस स्टॉक को लेकर जो एक सबसे बड़ी समस्या थी वो समस्या खत्म हो गई मार्च वाली तिमाही में। मार्च तिमाही के बाद ये जो अभी मार्च वाली तिमाही के बाद जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया उसमें 16.5% स्टेक पहले विजय माल्या साहब के पास हुआ करती थी, जो उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके सारे शेयर अटैच कर दिए थे। और जब जब भी ये शेयर बढ़ने की कोशिश करता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लगातार सेलिंग आती थी, क्योंकि उन्हें वो शेयर बेचकर अपने टैक्स वसूल करना था। अब वो पूरी की पूरी 16.5% स्टेक बिक चुकी है इस मार्च की जो तिमाही में जो स्टेक आई, तो सबसे बड़ा एक जो ओवरहैंग था हमेशा सप्लाई आ जाने का पहला वो खत्म हो चुका। उसके बाद जो इस कंपनी के फंडामेंटल बदल रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं वो कमाल के लाजवाब है। सबसे पहली चीज तो ये कि देखिए कंपनी जबरदस्त प्रोडक्शन में बढ़ोतरी भी करने जा रही है और यहां पर बचत भी करने जा रही है। देखिए नाफ्ता से गैस बेस्ड प्लांट इन्होंने कर लिया है, दिसंबर में ये पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब पहली चीज तो ये कि जैसे ये नाफ्ता से गैस पर जा रहे हैं, गैस पर जाने से इनके लिए ये होगा ये कि कॉस्ट कम होगी, ज्यादा क्लीन और ज्यादा एफिशिएंटली ये अपनी एसेट्स को यूज कर पाएंगे। अच्छा, गैस बेस्ड प्लांट पर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी ज्यादा है और इसके साथ ही उन्हें आउटपुट बढ़ाने की भी मंजूरी यानी प्रोडक्शन की भी मंजूरी मिल चुकी है। तो ये 3-4 कारण है जो इसके लिए बड़ा टर्न अराउंड साबित होंगे। दूसरा है, हाल ही में सारी फर्टिलाइजर कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाए, उसका फायदा मैंगलोर को भी मिलेगा। और तीसरा, वैल्यूएशंस बेहद आकर्षक हैं। आप देखिए वित्त वर्ष 2022 में मैं उम्मीद कर रहा हूँ 18 रुपए के आसपास ईपीएस करेगी, अगले साल 23 रुपए के आसपास की ईपीएस करेगी, तो अगले साल की ईपीएस में महज 4 के पी मल्टीपल पर है, इस साल के ईपीएस पे महज 5 के पी मल्टीपल पर स्टॉक है, बहुत सस्ता है। डेट रिडक्शन कंपनी लगातार कर चुकी है, अब नहीं के बराबर कर्ज बचे हैं कंपनी के पास में, कैश रिच है ही ऑलरेडी। अच्छा, दूसरी बात है कि पहले सब्सिडी आने में 6-6 महीने लगते थे सरकार से, अब वो 1 महीने
में आ जाती है, तो जो शॉर्ट टर्म इनके जो जो डेटर्स होते थे वो भी 1100 करोड़ से घटकर 600 करोड़ रह गए और कम हो जाएंगे। तो बैलेंस शीट जो बदली है इस कंपनी की वो आपको देखनी और पढ़नी चाहिए, और उस लिहाज से मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत बढ़िया कमाल कर सकता है। 135 रुपए का मिनिमम टारगेट इस स्टॉक के लिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लेकर चलना चाहिए, और बाजार की कमजोरी में आराम से धीमे धीमे खरीदारी करें, एक्यूमुलेट करें इस स्टॉक को। ये है आपके लिए मैंगलोर केमिकल। चार्ट पर एक बार राय ले ली जाए मैंगलोर केमिकल्स के। सचिन जी जरा इसके चार्ट देखिए और दीजिए अपनी राय। अरुण जी, मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर तो मुझे लग रहा है कि 110 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए, जिस तरीके से इसमें एक वीकली ब्रेकआउट हुआ है, जिस तरीके से स्ट्रक्चर है क्लियरली 80-85 के जोन में ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट हुआ था, तो मुझे लग रहा है अगर यहाँ पर पुल बैक मिल जाता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी फ्रेश लॉन्ग पोजिशन एड करने के लिए 78 के स्टॉप लॉस के साथ 110 के टारगेट के लिए। यह है 110 रुपए के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट्स 110 के रखें और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 135 रुपए के आसपास के मेरे टारगेट्स हैं जिन पर फोकस करना है, ये आपको मैंगलोर केमिकल के लिए। आइए इस बीच आपको बता दूं यूट्यूब पर अब हमारा प्रसारण एकदम पहले की तरह सही हो चुका है, आप उस पर यूट्यूब पर अब आनंद ले सकते हैं जी बिजनेस को देखने का। कुछ समय तक दिक्कतें जो चल रही थी यूट्यूब पर, इसलिए हमने आपसे निवेदन किया कि आप चाहें तो दूसरे माध्यमों पर जाकर, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जाकर हमारा प्रसारण देख सकते हैं, लेकिन अब अगर आपकी प्रेफरेंस यूट्यूब है तो आप फिर से यूट्यूब पर आ सकते हैं और यूट्यूब पर आप आराम से जी बिजनेस देख सकते हैं। अब स्ट्रीमिंग एकदम परफेक्ट होती दिख रही है, परफेक्ट स्ट्रीमिंग होती दिख रही है बाजारों की भी प्री ओपनिंग सेशन में, देखते हैं कहां जाकर सेटल होते हैं। तब तक कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पर फोकस किया जाए और राय ली जाए। शुभम जी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इस पर नजर डालिए, बड़े ही कमजोर नतीजे आए, एसेट क्वालिटी खराब हुई है और ऐसा लग रहा है कि वन ऑफ द वर्स्ट रिजल्ट्स हैं। चार्ट्स पर बताइए कितना कमजोर हो सकता है, हालांकि अभी तक तो हरे निशान में खुलने के संकेत दे रहा है, हो सकता है रिजल्ट के पहले गिरा हो, लेकिन नतीजे कमजोर दिख रहे हैं जी बताएं। अनिल जी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से जो रैली था वो मुझे लगता है कि टेम्पररी पुल बैक है और 32 रुपए क्रॉस कर पाना काफी डिफिकल्ट होगा, तो फ्यूचर्स में नहीं है इसलिए हम इस पे शॉर्ट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर किसी के पास होल्डिंग है तो मेरी राय में एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए और कुछ समय में 26 रुपए या उसके नीचे के भी लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं, तो स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है, एग्जिट की राय होगी। ओके, एग्जिट की राय होगी यहाँ पर आपके पास अगर शेयर है तो। लेकिन आइए बढ़े आगे, उससे पहले जल्दी से आपके सामने रख दें वो तमाम स्टॉक्स जो आज ट्रेडर्स डायरी का बने हैं हिस्सा। एक अपडेट, कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में एनआईटी लिमिटेड, यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। वेदांता डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, इसका फायदा मेटल्स में देखने को मिलेगा। वोल्टास सस्टेनेबल तेजी के लिए तैयार हो रहा है, टेक्निकली बिरला सॉफ्ट बेहद बढ़िया नजर